हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दिस ब्यूटी हैक्स आई होप आप सब अच्छे होंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना देन एक बेल आइकन आएगी वो भी प्रेस करना ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले आज के वीडियो में मैं एक लिप बाम में टू टाइप की लिप बाम बनाने वाली हूँ अगर किसी को कलरफुल पसंद है साथ ही में ट्रांसपेरेंट भी रखना पसंद है तो वो ये वीडियो देखकर अपनी लिप बाम बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ कोकोनट ऑयल एक बड़ा चम्मच शिया बटर हाफ स्पून और बीस वैक्स तो सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट लूँगी मैं नेचुरल लिप बाम बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट लिप बाम बनाने के लिए आप चाहें तो शिया बटर स्किप कर सकते हैं पर शिया बटर से काफ़ी क्रीमी लिप बाम बनती है जो हमारे लिप्स के लिए बहुत अच्छी रहती है और बीस पैक्स नेचुरल वैक्स होता है आपको मार्केट में मिल सकता है मार्केट में ना मिले तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है अफोर्डेबल ही आता है पर एक बार लेकर आप बहुत सारे लिपस्टिक लिप बाम काजल और बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो मैंने एक चम्मच कोकोनट ऑयल डाला है अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं हो तो आप कोई सा भी ऑलिव ऑयल या फिर आमंड ऑयल आपका कोई भी फेवरेट ऑयल है कोई नेचुरल ऑयल है आपके पास तो वो डाल सकते हैं इसके बाद मैंने शिया बटर डाला है और इसके बाद मैं बीस वैक्स डालूंगी इसके बाद आपको इसे मॉइल मेल्ट करना है मेल्ट आप डबल बॉयलर मेथड से कर सकते हैं डबल बॉयलर मेथड में आपको एक बर्तन रखना है गैस पे पानी भरकर उसमें स्टील का आप कोई बॉल रखते हैं उसमें आप ये मिक्सचर रख दें फिर ये मेल्ट हो जाएगा फिर आप अपने लिप बाम कंटेनर में भर सकते हैं आप डायरेक्ट हीट ना दें क्योंकि डायरेक्ट हीट देने के बाद अगर आप लिप बाम कंटेनर में भरेंगे तो लिप बाम कंटेनर तभी का तभी ख़राब हो जाएगा लीकेज हो जाएगा उसमें ज़्यादा गर्म के कारण तो आप डबल बॉयलर मेथड या फिर माइक्रोवेव ही काम लें तो मेल्ट करने के बाद मैं इसे अपने पुराने लिपस्टिक कंटेनर में भर रही हूँ और कुछ ही देर में ये जम जाता है क्योंकि बीस वैक्स इसे जमा देता है आप चाहें तो फ्रीजर में रख सकते हैं अगर आप फ्रीजर में ना रखें तो भी चलेगा कुछ ही देर में ये खुद ही जम जाएगा तो ये लिपस्टिक का कंटेनर था तो थोड़ी थोड़ी सी इस पर लिपस्टिक कंटेनर में लगी रह गई है जिसके कारण आपको लिप बाम पर भी दिख रही है सेकेंड में बनाने वाली हूँ पिंक लिप बाम तो पिंक लिप बाम बनाने के लिए फिर से मैं कोकोनट ऑयल ही लूँगी इस बार मैं शिया बटर नहीं मिलाऊंगी तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे शिया बटर आपके पास है या नहीं तो आप उस तरीके से बना सकते हैं तो मैंने एक चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है यहाँ पर और कलर के लिए आप बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं जैसे अगर आपको नेचुरल बनाना है तो आप बीट रूट पाउडर रोज़ पाउडर या फिर कुछ टाइम पहले मैंने एक आई का वीडियो डाला है जिसमें मैंने बहुत सारे नेचुरल कलर बताए हैं कैसे बना सकते हैं आप वो वीडियो देख सकते हैं कलर का आइडिया लेने के लिए या फिर जो भी आपके पास कलर हो आप वो डाल सकते हैं या फिर आपकी पुरानी लिपस्टिक पुरानी से मेरा मतलब है कोई लिपस्टिक आप थोड़ी सी तोड़ के डाल सकते हैं जो आपके पास पड़ी हो या फिर जो आपके पास पसंद नहीं हो आपके पास जो आपके पास पड़ी हो और आपको पसंद नहीं हो आप उसमें से थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे तो एक नया कलर आपको मिल जाएगा या फिर ग्लिटर डस्ट डाल सकते हैं जो भी आप चाहें तो इसमें हम कलर डालेंगे और बीस वैक्स डालेंगे काफ़ी सिंपल सा मेथड है इसको बनाने का भी और अगर आप सिंगल बनाना चाहें तो सिंगल बना सकते हैं दो कलर मिला के जो कि मैं बनाने वाली हूँ आपको वो पसंद आता है तो वैसे बना सकते हैं तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बीस वैक्स डाला है तो आपको जैसा दिख रहा है आपको सेम अमाउंट में ही बीस वैक्स डालना है आप कम एकदम कम बीस वैक्स ना डालें क्योंकि फिर मेल्ट होने का डर रहेगा और बहुत ज़्यादा भी ना डालें ताकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड लिपस्टिक बन जाए इसके बाद मैंने थोड़ा सा पिंक कलर का ग्लिटर डस्ट डाला है फिर हमें इसे भी मेल्ट करना है मेल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया डबल बॉयलर मेथड या फिर माइक्रोवेव जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं तो ये मेरे पास एक मेबलिन लिप बाम का कंटेनर है इसमें मैं ये भर रही हूँ भरूँगी तो आप ज़रूरी नहीं है ट्रांसपेरेंट और पिंक का ही कॉम्बो बनाएं, जो भी कलर आपको पसंद हो दो कलर आपको पसंद हो और आप टू इन वन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं तो जैसा कि ये मिक्सचर ज़्यादा है तो मैं इसे एक छोटे से कंटेनर में और भर लूँगी उसे भी हम लिप बाम की तरह लगा सकते हैं तो लिप बाम जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है मार्केट में टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड कुछ ऐसी आती हैं पर आप घर पर आसानी से बना सकते हैं लिप बाम तो और साथ ही में जो लिप बाम आप लगा रहे हैं आपको पता होगा उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं साथ ही में पूरी तरह नेचुरल होगी अगर आप कोई नेचुरल पाउडर मिलाएंगे तो वो आपके लिप बाम पूरी तरह नेचुरल होगी आपके लिप्स पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा तो आप अपनी मन मर्जी से जैसी चाहें जिस कलर में चाहें वैसी लिप बाम खुद ही घर पर बना सकते हैं ऑयल हमारे घर पे होता ही है आपको बस एक बीस वैक्स लेने की ज़रूरत होगी उसके बाद आप ढेरों लिप बाम लिपस्टिक खुद ही घर पर बना सकते हैं तो इसके बाद हमारी ये पिंक वाली लिप बाम भी तैयार हो गई है अब हम क्या करेंगे पहले मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ कैसा आया है ट्रांसपेरेंट वाले का तो कोई कलर नहीं होता इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया था इसका कलर दिखा देती हूँ साथ ही मैं फिर हम कैसे दो को एक बनाने वाले हैं वो देखते हैं तो काफ़ी लाइट सा कलर है इसका क्योंकि हमने थोड़ा सा ही कलर डाला था अगर आप ज़्यादा सा कलर डालेंगे तो ज़्यादा सा कलर आएगा पर हम लिप बाम बना रहे हैं और लिप बाम कम कलर की ही अच्छी लगती है तो इसका कलर एकदम सही है इसके बाद मैं इसे नाइट से हाफ कट कर रही हूँ और इसी तरह दूसरी वाली ट्रांसपेरेंट को भी हाफ़ कट करूँगी और फिर दोनों को जोड़ देंगे और हमारी टू इन वन लिप बाम तैयार हो जाएगी